हेलो हेलो यस बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है प्लीज बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जतिन तरुण गुड इवनिंग बेटा जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, आई अम एक मिनट में कंटिन्यू कर वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो गए ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त रहिएगा मैं भी बहुत अच्छा हूँ दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर आज अच्छा लग रहा है तो यस आज आपसे कनेक्ट होके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हो तो दोस्तों यहाँ पे आ, मैं सबसे पहले बता दूँ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्ट हुए हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पहली जानकारी मैं आपको ये दे दूँ कि हमारी सी ए इंटर फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन यस आई रिपीट ओके आई रिपीट फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन ओके हमने दो ऑप्शन आपको दिए थे पहला ऑप्शन हमने आपको ये दिया था कि पहले आप अपना इनकम टैक्स कंप्लीट कर लो जो सिक्सटीन ऑगस्ट से स्टार्ट होने वाला है और पोस्ट दिवाली जब मेरा यहाँ पे जीएसटी चालू होगा तो आप जीएसटी भी उसके बाद कंटिन्यू कर लेना तो पहला ऑप्शन वो है और दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पे ये दिया था कि एक बैच मैं सिक्सटीन अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड बैच होगा जो भी स्टूडेंट कुछ दिक्कत आ रही है बेटा कैमरे में अगर इन बिटवीन कैमरा इस तरह से बंद हो जाए तो डोंट वरी मैं फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे ठीक है तो जहां तक है हमारा जस्ट uh, मिनट में एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं जस्ट मिनट बेटा यस yes, बेटा तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से हमारे जीएसटी के आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल थे जो मैंने पहले भी आपको बताया था एक जो नॉर्मल ऑप्शन है जिस जो मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन के लिए सिक्सटीन अगस्त से आप अपना इनकम टैक्स स्टार्ट कर चुके हो फेस टू फेस लाइव स्ट्रीम में ओडी और पीढ़ी में और वो क्लासेस आपका अवेलेबल पहले इनकम टैक्स का होगा और हमारा जीएसटी जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पोस्ट दिवाली वो आपको अगेन फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग या ओ डी में मिलेगा दूसरा एक ऑप्शन जो मैं बैच स्टार्ट करने वाला था और वो बैच जो था अगस्त से जीएसटी का ये बैच जो स्पेशली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीएसटी अर्ली करना चाहते पहले करना चाहते या वो स्टूडेंट्स जो ग्रुप वन के लिए ही अपियड होने वाले ये जो बैच है जो सिक्सटीन अगस्त से हमारी स्टार्ट हो रही है ये रिकॉर्डेड मोड में ही आपको अवेलेबल होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि ये जो अगस्त की बैच में जीएसटी के स्टार्ट कर रहा हूं ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था उनकी बहुत ज्यादा मेरे पास यहाँ इंक्वायरीज थी और डिमांड थी कि सर हमारा अटेम्प्ट नवंबर ट्वेंटी थ्री है और हम वो स्कीप करना चाहते हैं और हम न्यू स्कीम में मे ट्वेंटी फोर एग्जाम देना चाहते हैं जनरली जीएसटी ये सब्जेक्ट में जो चेंजेस होते हैं इसलिए स्टूडेंट आखिरी में रखते हैं तो अब वो स्टूडेंट के हिसाब से मैंने ये बैच स्टार्ट किया कि भाई वो नवंबर 23 स्किप करना चाहते हैं और मे 24 फोर अपीयर होना चाहते हैं लेकिन मेरी टाइम अवेबलिटी के हिसाब से मैंने ये कहा था कि मैं ये बैच जो है अ, मेरे कंफर्ट के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को लेके मैं भी मॉर्निंग में आफ्टरनून में इवनिंग में मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको ये रिकॉर्डेड मोड में ही मिलेगा तो मैं लास्ट अगर कंक्लूड करूं तो ये जो हमारा आज का पहला सेशन है ये सिक्सटीन अगस्त के बैच का है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जाम स्किप करके मे ट्वेंटी फोर के लिए अपीड होना चाहते हैं या फिर जो जीएसटी अर्ली करना चाहते हैं या जो ग्रुप वन ही दे रहे हैं ठीक है, है। आ, ये जो बैच है यहाँ मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को लेकर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कह दूं बेटा यहाँ पे कि नॉर्मली मैं स्ट्रॉगली uh, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले इनकम टैक्स करो क्योंकि अभी आपका शेड्यूल बहुत टाइट है सुबह से लेके शाम को सात साढ़े सात बजे तक आपके क्लासेस रहते हैं और जी एस टी पोस्ट दिवाली करना ठीक है ये बैच हमने सभी को कॉल किया और जो स्टूडेंट्स यहाँ कंफर्टेबल है या ये बैच करने के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को ये बैच दिया हुआ है आई होप आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन मैं एंड में आपको एंटरटेन करूँगा अभी कोई भी डाउट्स जो है सर बुक्स नहीं आए ये नहीं आए या वो नहीं आया अभी मैं एंटरटेन नहीं करूँगा क्योंकि ये स्पेशल सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स का पहला दिन है जो सिक्सटीन अगस्त वाला कर रहा है अब मैं आपको ये कह दूं कि ये बैच भी आप करोगे तो ये मे 24 के हिसाब से ही बनाई जा रही है मे बी अक्टूबर तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर कर ली जाएगी ओके तो मैं आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लूँगा टाइम टू टाइम और ये बैच जो है हमारा कैसे कंप्लीट होगा एक बार फटाफट दो मिनट में आपको बताना चाहूँगा ठीक है तो चलिए ये बैच में टोटल हमारे एक सेशन जो है सवा तीन घंटे का रहेगा और टोटल हमारे अप्रोक्सिमेटली फोर्टी से रहेंगे और ये फोर्टी सेशंस में हम ये बैच कंप्लीट करेंगे पर आपको जो रिकॉर्डिंग दी जाएगी इस बैच की वो दो पार्ट में दी जाएगी ओके okay, जैसे मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर लिया वो अपलोड कर दिया इवनिंग में रिकॉर्ड कर दिया अपलोड कर दिया इसलिए आपको जो डाउनलोड सेक्शन में लेक्चर मिलेगी रिकॉर्डेड सेशन वो कुछ इस तरह से मिलेंगे जीरो वन ए और जीरो वन बी ओके क्योंकि दो पार्ट में मेरे टाइम कंफर्ट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ ठीक है तो आपको वन ए वन बी टू ए टू बी थ्री ए थ्री बी ऐसे दो पार्ट मिलेंगे तो आपको एक साथ दोनों सेशंस कंप्लीट करना है तो ये आप 40 टू 42 टू डेज में ये बैच कर पाओगे चलिए सो दोस्तों आते हैं यहाँ पे सी ए इंटर मे 24 फोर एग्जामिनेशन पहला आपको ये बता दूं कि आपको अब नई स्कीम लागू हो चुकी है और मे 24 से यहाँ पे सी फाइनल इंटर फाउंडेशन

उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलो यहां पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जस्ट मिनट यस अगर हम यहां सबसे पहले अगर बात करें तो uh, ग्रुप वन में आपका जो है पेपर थ्री क्योंकि आपको दो ग्रुप है ग्रुप वन में पेपर थ्री आता है टैक्सेशन टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं एक डायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स ओके okay, और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं जीएसटी मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगा मेरे ये सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ओके okay, सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो ओके okay, क्वेश्चंस आप बाद में पूछो पहले ओके okay, पूरा अच्छे समझ लो और ये सेशन जो भी सिक्सटीन अगस्त का बैच करना चाहता है जो यहाँ अर्ली जी करना चाहता है ये सेशन पूरा अच्छे से देखें और यस जो बाद में भी करना चाहता है तो ये डेमो सेशन जरूर देखे तो उसको ये थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आप अभी लगा रहे हो या पोस्ट दिवाली लगा रहे हो जब भी हो लेकिन ये सेशन से आपको ये समझ जाएगा कि मैं पूरा जीएसटी आपको कितने अच्छे से करने वाला हूँ और आपका एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने वाला हूं ठीक है ठीक है? है ओके चलो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं टैक्सेशन uh, जो है पूरा आप वीडियो देखिएगा मैं सारे सारे आपके क्वेश्चन इसमें क्लियर कर दूंगा ओके okay, सर हम जी पोर्टल कितना यूज करने वाले हैं कैसे यूज करने वाले हैं एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है ओके okay, ये सारे आपके डाउट्स में यहाँ क्लियर कर दूंगा चलिए दोस्तों ना अगर हम बात करें पेपर थ्री की पेपर थ्री में टैक्सेशन जिसमें दो पार्ट आता है पहला पार्ट आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पार्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स और यहाँ दोनों फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के लिए है तो दोस्तों यस टैक्सेशन आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और जीएसटी तो मैं डेफिनेटली आपका बना दूंगा आपको टारगेट रखना है इनकम टैक्स में आउट ऑफ मिनिमम मार्क्स का टारगेट रखना है और जीएसटी में भी आपको फोर्टी फाइव मार्क्स का ही टारगेट रखना है जहाँ तक मैं जीएसटी की बात करूँ क्योंकि जीएसटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो डेफिनेटली हम ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ये टारगेट अचीव करना आसान जाएगा आपको ऐसा इसमें थोड़ी भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी ओके okay, मैं आपके साथ हूँ और हम यह 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 ये टारगेट कैसे अचीव करेंगे डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका जो 100 मार्क का पेपर है टोटल मार्क्स आपको 100 मार्क्स है ओके okay, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं नो डाउट मई 24 एग्जाम में जो हमारी आईसीएसए का न्यू स्ट्रक्चर आया है ओके okay, इसमें भी उन्होंने एमसीक्यू थर्टी मार्क्स के लिए रखे हुए पहले भी थे और अभी भी थर्टी मार्क्स के एमसी क्यू रखे इनकम टैक्स का मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा और जीएसटी का भी मार्क का 15 का मार्क्स सीक्यू पूछा जाएगा और मार्क्स के न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए जो यहाँ पे थर्टी फाइव मार्क्स और थर्टी फाइव मार्क्स इस तरह से पूछे जाएंगे यानी फिफ्टी प्लस फिफ्टी इस तरह से कवर किया जाएगा चलिए ये तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिलेबस कैसे होगा इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं आ जाते हैं आपका सिलेबस किस तरह से लिया जाएगा चलिए दोस्तों नाउ मैंने जो टाइटल दिया है सी ए सी एम ए इंटर जी एस टी और ये टाइटल जो है सी ए सी एम ए इंटर जी एस टी इसका मतलब ये कि जो सी ए स्टूडेंट है जो यहाँ पे मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाला है उनका तो कवर हो गई एज वेल एज ओके ओके यहाँ पे में इंटर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ यही सेम बैच रहेगा क्योंकि दोनों का सिलेबस यहाँ सेम है और दोनों यहाँ जो है जीएसटी और यहाँ कवर किया गया है और एग्जैक्टली सेम चैप्टर्स उन्होंने कवर किए फॉर सी एम इंटर न्यू स्कीम ओके जिसके बारे में हम बात करेंगे चलिए अब हम आते हैं मार्क्स एलोकेशन से रिलेटेड दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे बहुत अच्छे से कवर करूंगा प्लीज पहले पूरा सुन लीजिए अब यहाँ जो है आ, आपका बैचेस से रिलेटेड ओके और ये क्वेश्चन थोड़ा बार बार आ रहा है कि सर क्या न्यू स्कीम में हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच यानी जीएसटी पोर्टल के से रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा क्या बेटा जीएसटी पोर्टल मैं सिर्फ ये बैच पर नहीं मैं पिछले यहां दो हजार सत्रह से लेके अभी तक पढ़ा रहा हूँ ओके okay, तो नो डाउट जीएसटी पोर्टल हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ओके okay, और सिर्फ जीएसटी पोर्टल हम क्या क्या कवर करने वाले हैं देखिए धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छे से ओके okay, तो यस आपका जो एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है मैं पहले से आंसर दे देता हूँ कि जीएसटी पोर्टल पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं ओके okay, अब मैं ये 2017 से कवर करता हूँ जब भी मैं जीएसटी इंटर और फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूँ चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स अलोकेशन से रिलेटेड तो दोस्तों यहाँ पे जीएसटी में ओके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं जीएसटी टोटल पांच एक्ट है पहला सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट दूसरा एस जो स्टेट है यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी आई इंटीग्रेटेड जीएसटी और लास्ट जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट इसमें इंटर में जो रखा गया है वो इंटर में सीजीएसटी एक्ट रखा हुआ है आपको ओके बोथ सीएमए एंड सीएस इंटर आपको जो रखा हुआ है ये सीजीएसटी एक्ट रखा हुआ है ओके इंटर लेवल पे और अभी आईजीएसटी एक्ट का एक चैप्टर ऐड किया है आपको और वो है प्लेस ऑफ सप्लायर यस क्योंकि वेटेज बढ़ा दिया फिफ्टी मार्क्स का कर दिया तो उन्होंने जो है आई जी एस टी एक्ट का एक चैप्टर ऐड किया है और वो है प्लेस ऑफ सप्लाई तो दोस्तों यहाँ पे जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा पीओ एस में लिखूंगा पीओ एस प्लेस ऑफ सप्लाई एस जी एस टी एक्ट यूटी जीएसटी एक्ट और जीएसटी सेस एक्ट हमें नहीं पढ़ना है हमें दो ही एक्ट डिटेल में पढ़ना है और बॉस मैं आके आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि अगर आपने एस जी एस टी एक्ट पढ़ लिया मतलब ही आपने सॉरी सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया जो हम ये मेनली पढ़ने वाले हैं। ओके मतलब ये आपने और भी कर लिया क्योंकि दोनों जो है एग्जैक्टली जीएसटी अगर आप सीए इंटर में है आंसर सुनिएगा अगर आप सीए इंटर में है तो जीएसटी आपको जो है यहाँ पे ओके 50 मार्क्स का है ये सी जी एस टी और आई जी एस टी का एक चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई तो टोटल आपको फिफ्टी मार्क्स का है ओके okay, टोटल आपको फिफ्टी मार्क्स का है और यहां अगर आप सीएमए इंटर में अगर आप सीएमए इंटर में है तो आपको जो है जीएसटी फोर्टी मार्क्स और दस का आपको न्यू स्कीम में कस्टम्स है तो मैं आपको ये बता ओके, okay, एक बार फिर से एक बार फिर से समझ लो जस्ट बेटा Just... गया आप भी अपना मोबाइल वाइब्रेशन वाएगर पर तो चलिए मैं आपको ये बता दूं अगर आप सी इंटर में तो आपको सिर्फ जीएसटी पढ़ना है और वो फिफ्टी मार्क्स का है और अगर आप सीएमए इंटर में होगे तो आपको जीएसटी फोर्टी मार्क्स का और यहाँ पे कस्टम्स दस मार्क्स का ऐसे टोटल फिफ्टी मार्क्स का चलिए अब हम देखते हैं कि जीएसटी को जो है हम आ, CA inter, दोनों सी ए इंटर और सी एम ए इंटर दोनों का सिलेबस जीएसटी के लिए एग्जैक्टली exactly सेम है एक्सेप्ट okay, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें कितने लगेंगे ये जो 16 अगस्त वाला बैच है इसमें एक सेशन सवा तीन घंटे का रहेगा ओके okay, जो दो पार्ट में बटा हुआ होगा तो सवा तीन घंटे का अगर हमारा एक सेशन होता है तो ये केस में यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर्टी टू फोर्टी टू सेशन में ओके okay, लेक्चर्स में हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा और जहाँ तक है एक सेशन तो तीन घंटा पंद्रह मिनट यानी तीन घंटे का एक सेशन ओके okay, हाँ जो पोस्ट दिवाली बैच चालू होगी उसमें एक सेशन ढाई घंटे का ही है तो उसमें हमारे नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा रहेंगे ओके वहाँ ढाई घंटे का ही सेशन चलिए ये तो हमारा हुआ आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स कितना रहेगा अब नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बताऊँ तो जहाँ तक जो सी एम इंटर स्टूडेंट है उनको दस मार्क का कस्टम है सी एम इंटर स्टूडेंट दस मार्क का कस्टम्स है इनके फाइव लेक्चर्स एक्स्ट्रा रहेंगे ओके फाइव लेक्चर्स फाइव टू सिक्स लेक्चर्स इसके एक्स्ट्रा रहेंगे फॉर सी इंटर स्टूडेंट तो अगेन मैं दो मिनट में रिपीट कर देता हूँ कि सी इंटर स्टूडेंट जो है यहां पे पे और और आपको ये बता कि के के लिए जो CMA -Students के लिए जो अगर कोई सीएम इंटर स्टूडेंट यहाँ पे मुझे सुन रहा होगा तो इस तरह से हमने देखा अबाउट मार्क्स अलोकेशन कि किस तरह से हमें मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे चलिए अब आते हैं हम थोड़ा क्लास मटेरियल पे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले यहां पे आ, हमारा रेगुलर मटेरियल हमें मटेरियल कैसे मिलेगा तो मटेरियल के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा ये हमारा फर्स्ट सेशन है आपको इस तरह से ये जैसा मॉडल थ्री है कवर पेज बदल सकता है लेकिन मॉडल थ्री है इस तरह से आपको तीन मॉडल्स आने वाले हैं ये हमारे तीनों मॉडल में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आईसी आई के जो न्यू पैटर्न है न्यू मेटल के बेस पर ये कंप्लीटली मॉडल बनाए गए हैं ठीक है और ये तीन मॉडल आपको जीएसटी के मिले गए और सेकेंड uh, मैं आपको ये बता ओके okay. uh, ये तीन मॉडल आपको रेगुलर मैट है और कंप्लीटली हमारे आईसीए के मटेरियल पे बनाया गया है मॉड्यूल का स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूंगा जैसे ये चैप्टर वन है ओके यहां हम चैप्टर वन देख रहे हैं और दोस्तों ये चैप्टर वन जब हम पढ़ेंगे जस्ट मिनट ये जब सॉरी ये चैप्टर वन जब हम पढ़ रहे हैं बेटा तो ये चैप्टर वन में जैसे स्टार्ट हम कंटेंट पे कंप्लीटली कलर्ड नोट्स है सारी ये मटेरियल का यूएसपी समझ लो

पिक्चर में कैसा आया इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों लाना पड़ा तो ये सारी चीजें जो है ओके okay, मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहूंगा और जैसे ओके okay, पूरा बिजनेस का फ्लो कैसे होता है मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर और जीएसटी जो है अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पासन होता है ये कंप्लीटली हम यहाँ पे पिक्चर में देखने वाले हैं तो दोस्तों कंप्लीट ये नोट्स जो है ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में बनाया गया दूसरी बात नोट्स में मैंने स्पेस दिया हुआ है हर कॉन्सेप्ट के नीचे इसलिए वो स्पेस जब मैं कहूँगा तभी आपको यूज करना है जैसे हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो डिफरेंस के लिए स्पेस यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट के लिए स्पेस यूज करेंगे तो कंप्लीटली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है चार्ट बनाए जाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस आपकी की जाएगी जहाँ स्पेस छोड़ा है जब तक मैं ना कहूँ हमारे रेगुलर नोट्स में आपको कुछ नहीं लिखना है हाँ, आप अलग से नोटबुक ले लो और वो नोटबुक में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो लेकिन रेगुलर नोट्स में आपको जब मैं कहूंगा जो स्पेस पे कहूंगा वही आपको लिखना है आई होप यू अंडरस्टूड तो इस तरह से बेटा कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंटेशन में नोट्स बनाई गई है जैसे फैक्ट्री का एग्जाम्पल है ट्रेडर का एग्जाम्पल है सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल है और इसके बेस पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाया गया है डेफिनेटली आपको जीएसटी समझने में बहुत आसानी होगी सर अगर हम जीएसटी अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या हमें भी अच्छे से समझ जाएगा बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मे 24 के हिसाब से हम सारी अमेंडमेंट्स को भी कवर कर लेंगे ओके डोंट वरी ओके यहाँ पे हर चीज जो मैं 24 के हिसाब से होगी मैं इसमें कवर कर लूंगा तो चलिए यहाँ नेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ये तो हमने बात की हमारे नोट्स से रिलेटेड अब वापस आते सिलेबस कवरेज में कि रेगुलर नोट्स के आपको टोटल तीन मॉडल मिलेंगे उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में होता है बेटा क्वेश्चन है जैसे नोट्स तो आपने पढ़ लिया पर नोट्स पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चन पे हमारी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए ओके आ, हमने प्रेजेंट कैसे करना चाहिए तो मैं आपकी बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में करवा लेता हूँ अराउंड टू हंड्रेड क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करते हैं लिखते हैं और मैं उसमें यह समझाता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए रियली really, आपको बहुत मजा आता है तो हमारे रेगुलर नोट्स में ही 200 सौ क्वेश्चन कवर्ड है चैप्टर वाइज और ये दो क्वेश्चन देखते हैं फिर इन एडिशन टू दैट आपको थ्री हंड्रेड क्वेश्चन अराउंड क्वेश्चन जिसे हम स्कैनर कहते हैं वो दिया जाता है जिसका एक मॉड्यूल आता है और आपको एम सी की बुक पी डी एफ फॉर्म में दी जाती है अब क्वेश्चनअर से रिलेटेड अगर हम बात करें अगर क्वेश्चनअर से रिलेटेड दोस्तों बात करें तो मैं आपको ये डिजिटल बुक बताना चाहूंगा और ये डिजिटल बुक के स्पेशल फीचर बनाना चाहूंगा चलिए ये जो है मैंने नाम दिया है स्मार्ट जिन्हें डिजिटल बुक अरे सर ये स्मार्ट जिन्हें डिजिटल बुक क्या है तो चलिए बताता हूं यहाँ पे यहाँ जैसे आपको जो फिजिकल कॉपी मिलेगी क्वेश्चन की वही डिजिटल फॉर्म में मिलेगी लेकिन डिजिटल फॉर्म के कुछ स्पेशल यूएसपी है और ये यूएसपी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे पहला अगर हम देखें चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये, ये क्वेश्चन मतलब के साथ कहना चाहूंगा यहाँ ध्यान से सुनिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर मैट बाजू में रख देते हो और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाता है कुछ भी ऐसा यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने क्वेश्चन पे छोड़ा हुआ है एवरी थिंग आई कवर्ड दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मोर देन रैंकर्स मेरे आए हैं फाइनल और इंटर लेवल मिला के और मोर देन थ्री थाउजेंड एग्जाम जो है स्टूडेंट्स okay, को मिले हैं फाइनल और इंटर लेवल पे ओके okay, सबका बहुत ही अच्छा ओके okay, फीडबैक है और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और फीडबैक यही है दोस्तों कि ये क्वेश्चन उनको बहुत हेल्पफुल रहा है और रियली उन्होंने एडमायर किया है क्वेश्चन के कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने कॉन्सेप्ट है हर पे कितने क्वेश्चंस लिए ये क्वेश्चन दिए हैं और साथ साथ में अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो हमारे मटेरियल में कौन से क्वेश्चन है आर टी पी बॉकटेस्ट पेपर में एग्जामिनेशन क्वेश्चन के भी मैंने बायोफरगेशन दिए हैं तो चलिए इसकी तो फिजिकल कॉपी आपको मिल रही है डिजिटल कॉपी भी आपको आपके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में दिया जाएगा अब एक बहुत अच्छी बात आपको इस क्वेश्चन की मैं बताना चाहूंगा जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने ये किया हुआ है सर ये क्या और इसी वजह से हमारे रिजल्ट आ रहे हैं देखो दोस्तों क्लास तो हो जाता है क्लास में आप मेरे साथ पढ़ लेते हो राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हो 200 क्वेश्चंस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा के देता हूँ उसके बाद में जब ये क्वेश्चन है ये questions, questions, ये में अब, ये, copy, ये में आरटीपी के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन सारा मैं कवर करता अब करके दिखाया है आपको ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा तो ये क्या है? बता था। बाद में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम आपको बाद में मिलता है ओके okay, क्लास होने के बाद जब आप क्वेश्चन क्वेश्चनर पढ़ते हो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि यार ओके सर ने तो समझा अच्छा था लेकिन अब बहुत टाइम हो गया चार महीना हो गया पांच महीना हो गया और याद नहीं आ रहा है ओके कुछ तो सर, सर ने कॉन्सेप्ट समझाया था पर याद नहीं आ रहा है तो दोस्तों ओके हर क्वेश्चन के बाजू में मैंने यहाँ पे एक इम्बॉल दिया हुआ है प्ले वीडियो ओके अगर वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहे हैं समझ नहीं रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है वहां पे ये प्ले वीडियो दबा देना है प्ले वीडियो दबाते ही मैं आपके सामने आ गया और वो क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपके साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए कौन से पॉइंट पे आपने एम्फेसाइज करना चाहिए ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो चलो देखो कितनी अच्छी बात है इसमें मैं कहता हूँ स्मार्ट जीनी बुक मतलब हम आपको एग्जाम तक सपोर्ट दे रहे हैं यानी एग्जाम के एक घंटे पहले भी अगर आप मुझे याद करते हो और यार ये नहीं समझ में आ रहा है पर इमीजिएट मैं बस आप प्ले वीडियो दबाओ इस डिजिटल बुक को और जैसे ही आप ये दबाते हो मैं आपके सामने आ गया और मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया इससे फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है बहुत सी बार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो पूरा इंटरेस्ट चले जाता है वो टॉपिक का लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा मैं आपके साथ रहूँगा यस कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है और मैं आपके साथ ओके इस डिजिटल बुक के फॉर्म में रहूँगा चलो कितनी अच्छी बात है तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन रहता है फिजिकल कॉपी आपको मिलती ही है फिजिकल कॉपी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हम डिस्कस uh, करते हैं क्लास के साथ साथ फिर से कह देता हूँ और मैं ये बात पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं 200 हंड्रेड क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके देखते हैं इन एडिशन टू दैट ये क्वेश्चन बुक आपके पास भी होती है ओके okay, तो चलिए ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल जो है मैंने आपको बताया ना जैसे मैंने आपको कहा कि थर्टी आपको पूछे पूछे जाते जाते हैं, तो GST में आपको 15 के MCQ जाते हैं। तो तो में में। आपको आपको के 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 लिए मैं आपको PDF देता आपके v -Smart के इन में। ओके, v -Smart का इन कैसे होगा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे वैसे मैंने डेमो वीडियो में आपको बताया था और ये एमसीक्यू जो होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और मे ट्वेंटी फोर एग्जाम न्यू स्कीम के अंदर ये जो हमारा न्यू पैटर्न है के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरा एमसीक्यू मैंने केस स्टडी बेस्ड और नॉर्मल एमसीक्यू भी कवर किया है अब अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये एमसीक्यू क्या हम यहाँ पे क्लास में इसको सॉल्व करते हैं मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू हम करते हैं लेकिन मैं आपको ये बता दू कि मेरा एम्फोसाइज होता है कॉन्सेप्ट पे अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए तो उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान होता है और इतने क्वेश्चन में ले रहा हूं क्वेश्चन एयर के एज वेल एज यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस तो एम सी क्यू वैसे ही आपको ईजी हो जाते हैं इसलिए ये पी डीएफ कॉपी आपके लॉग इन में जो दी है आप प्रिंट आउट निकाल ले और वो प्रिंट आउट निकाल के एम सी क्यू जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मेरे साथ सॉल्व कर ले डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करते आ जाएगा तो दोस्तों ओके ये तो हमारी बात हुई यहां पे क्वेश्चन एयर की उसके बाद में ओके हम आते चार्ट बुक से रिलेटेड और फिर वॉल चार्ट से तो यार का एक मॉड्यूल आपको चार्टुक यहाँ पे आपको कॉपी मिलती है और ये बुक जो है ओके पूरा जीएसटी एस यहाँ पे मैंने ट्वेंटी टू पेजेस में आपको खत्म कर दिया है मतलब जब ये जो तीन मैट है इसको फास्ट में रिवाइज करना है तो आपका ट्वेंटी टू पेजेस में कंप्लीट जीएसटी खत्म होता है और ये बहुत काम आता है कैसे जैसे मैं जब पढ़ता था या स्टूडेंट्स का मेरे को अराउंड ट्वेंटी टू ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों और मैं जब पढ़ता था यहाँ पे तो मैं ये सोचता था कि एग्जाम के एक दो महीने पहले पूरा मटेरियल पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ ऐसा मटेरियल हमारे पास में चाहिए कि जो फास्ट में रिवाइज कर सके तो ये जो है चार्ट बुक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये चार्ट बुक जो है यहाँ आपको डेफिनेटली एग्जाम के पहले बहुत हेल्प करती है तो यहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये फीडबैक है कि सर आपकी चार्ट बुक में हमें बचा लिया मैं तो कहूँगा बचा नहीं लिया अच्छे मार्क्स आपको दिलवा दिए ये चार्ट बुक क्या होता है ओके ये चार्ट बुक क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट में बता दूं यहाँ पे चलिए जैसे अब चैप्टर चैप्टर हमने पढ़ा तो वन के सारे मैंने एक पेज में ले लिए पूरा चार्ट बना लिया ऐसे okay, ही तो अब अच्छी बात आपको बताओ क्या क्या होता है ये जो छोटे छोटे चार्ट है हम हमारे रेगुलर बुक में ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करते हैं और वही चार्ट सारा चैप्टर का कनेक्ट होकर एक जगह चार्ट बुक में मिल जाता है तो जब आप ये पढ़ते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता है क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बुक में और वही सारे चार्ट कनेक्ट हुए हैं तो आपको पूरा चैप्टर सिक्सटी पेज का सेवेंटी पेज का एक या दो पेज में खत्म हो जाता है और मैंने पूरी कोशिश की है चार्ट बुक में कि सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर करूँ तो यस आपको ये जो चार्ट बुक है डेफिनेटली ये भी आपको बहुत हेल्प करती है बिफोर एग्जामिनेशन रिवाइज करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि मेरा ये चार्ट बुक देख लो और मेरा ये क्वेश्चन देख लो मोर देन इनफ फॉर रिविजन बिफोर एग्जामिनेशन उसके बाद में मैं आपका साथ नहीं छोड़ता तो रेगुलर बुक हो गए उसके बाद में क्वेश्चन एयर हो गया नेक्स्ट चार ओके चार्ट बुक हो गया अब मैं बहुत सी बार ये फील करता हूं कि अगर आप अपने रूम में रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट के कनेक्शन बार बार देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट ओके okay, बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं मतलब आपने एक बड़ा वॉल चार्ट लगा लिया रूम में और बार बार वो फ्लो को देख रहे हो तो आप सब्जेक्ट को भूलते नहीं हो सिर्फ फ्लो को देखने से क्योंकि मेमोरी क्या काम करती है मेमोरी ओके कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करती है और इस फ्लो का अगर आप देख रहे हो तो जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो तो आपको फटाफट याद आ जाता है तो बुक तो मैं आपको दे ही रहा हूं जो आप चैप्टर वाइज आप उसमें पूरा चार्ट में कंप्लीट कर सकते हो और ये कहीं पे भी कैरी कर सकते हो लेकिन एक वॉल चार्ट है ये बेटा इतना बड़ा चार्ट मिलता है जो आप रूम में लगा सकते हो जो आपको रिविजन के लिए बहुत हेल्प करता है और इसको मैं कहता हूँ वॉल चार्ट इसको मैं कहता हूँ वॉल चार्ट ये आप रूम में लगा लो इसका फायदा क्या है जैसे चार्ट बुक हर चैप्टर का चार्ट बना के दिया हुआ है वॉल चार्ट में मैंने जीएसटी के पाँच छह चैप्टर एक साथ कनेक्ट करके दिए अगर आप ये दीवार पे लगा लो तो वो केस में बस इसको पढ़ना नहीं है सिर्फ फ्लो देख लेना है हाँ ये ऐसा फ्लो है ये ऐसा फ्लो है सर ने ऐसा पढ़ाया था फ्लो देखने से आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप तीन महीने बाद चार महीने बाद पांच महीने बाद जब भी पढ़ने बैठते हो तो ओके आप फास्ट रिकलेक्ट कर सकते हो जो हमने पढ़ा हुआ है और बहुत मजा आता है ओके ये चार्ट वॉल चार्ट भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है तो दोस्तों इस तरह से ओके आपको मटेरियल कंटेंट मेरे इसमें मिलेगा और ये मटेरियल कंटेंट इनफ है ओके मोर देन यहाँ पे 40 मार्क्स लेने के लिए जैसा मैंने आपको टारगेट कहा कि आपको 45 तो मिनिमम लेना ही है चलो आते हैं वापस सिलेबस कंटेंट पे तो इस तरह से यहां पे जो है ओके okay, आपको रेगुलर मॉडल क्वेश्चन एयर बुक डिजिटल क्वेश्चन एयर बुक आपके वी स्मार्ट के लॉगिन में दिया जाएगा एमसीक्यू बुक आपके वी स्मार्ट के लॉगिन में दिया जाएगा वॉल चार्ट आपको दिया जाएगा और चार्ट बुक आपको दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों ये तो हमने यहां पे आपको डिटेल में दिया है दूसरी बात आपको बता दू, अभी आपको बता दूं अभी जो अगस्त वाला बैच लगाने वाले हैं तो उनको मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू आया होगा और क्वेश्चन आया होगा बाकी मटेरियल जो है मॉड्यूल थ्री और बाकी चीजें उनको सेकेंड शिपमेंट में आएगी जिसके बारे में मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा ठीक है ओके तो बचाओ मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि कब आ जाएगा क्योंकि वो अपडेशन में है जिसमें अमेंडमेंट्स मुझे कवर करना है नेक्स्ट आपको बता दूं कि अगर आपने ऑर्डर दिया होगा आ, ये सिक्सटीन अगस्त के बैच का तो आपको मटेरियल आने में सेवन टू टेन डेज लगते हैं तब तक चैप्टर के जब तक चैप्टर पहले दो तीन चैप्टर की पी आपके वी स्मार्ट के लॉग में दी होती है उसका प्रिंट आउट ले लो और लेक्चर स्टार्ट कर दो ओके छः सात दिन में आपको फिजिकल कॉपी ऑफ मटेरियल आ जाएगा चलिए ये तो था मटेरियल से रिलेटेड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये बताइए हम पेपर एनालिसिस में आगे देखेंगे ओके okay, ये बताइए कि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में जो जीएसटी पोर्टल के बारे में ओके okay, एग्जाम में जीएसटी पोर्टल के बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच से कितना पूछते हैं जैसे इस बार का आपका मटेरियल आ गया और मैंने पूरा मटेरियल बहुत अच्छे से देख लिया आपका ओके okay, इंस्टीट्यूट का मटेरियल मैं आपको बता दूं जीएसटी पोर्टल एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं 2017 हजार सत्रह से अपने आ, आ, पढ़ाते वक्त मैं पूरा पोर्टल बताता हूँ और कवर करता हूँ कि पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन कैसी जाती है लेकिन यहाँ पे एग्जाम में मोर एम्फोसाइज होता है आपके इंटरप्रिटेशन लेवल पे और यहाँ आपकी सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड तो सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आपने लिखना है एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है ओके okay, उसका पूरा प्रैक्टिस हम यहाँ करने वाला है जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड हाँ इंस्टीट्यूट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहती है जो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ओके okay, कवर कर लेते हैं यस yes, हमारे सेशंस में और वो सेशंस ओके okay, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर देते हैं यहाँ तक एग्जाम की बात है तो एग्जाम में अगर उसके ऊपर पूछा तो मुझे ऐसा लगता है दो या तीन मार्क का पूछा जा सकता है क्योंकि वो पोर्टल एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे कैसे करना और आपने प्रैक्टिकली चीजों का कैसे ओके okay, क्लाइंट uh, uh, का डेटा प्रैक्टिकल कैसे अपडेट करना वो पोर्टल कर है और और पे आपको now, उसके बाद में हम अगर मटेरियल से रिलेटेड आप सबको समझ गया यस और नो जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड बताओ मटेरियल से रिलेटेड समझ गया आपको सभी को आपको कौन कौन से मटेरियल मिलने वाले हैं ठीक है ओके okay. अभी पहली शिपमेंट जो भी आएगी मटेरियल की वो आपको मिल गई होगी बाकी बचा हुआ मटेरियल आपके सेकंड शिपमेंट में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं अमेंडमेंट्स मे 24 एग्जामिनेशन को जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है वो अपलीकेबल होती है थर्टी अक्टूबर दो हजार तेईस तक की आई रिपीट आपको अप्लीकेबल होती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दो हजार तेईस तक की मतलब आपको फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री होगा ठीक है तो फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के हिसाब से और उसके बाद में नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो है यहाँ पे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक का अमेंडमेंट्स कर होता है अब देखिए बेटा यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आई है ये अमेंडमेंट्स में आपको यहाँ जो मॉड्यूल थ्री आएगा आपको मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू में कोई चेंज नहीं है एग्जैक्टली exactly सेम है ओके okay, जो आपको मॉड्यूल थ्री आएगा वो मॉड्यूल थ्री में जो चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुई है वो चैप्टर में सारी अमेंडमेंट्स को कवर करके आपको थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अमेंडमेंट्स कवर हो जाए तो जहां तक देखा जाए ध्यान से सुनिएगा ओके okay, हम एक्ट पढ़ रहे हैं एक्ट पुराने स्कीम में हो या न्यू स्कीम में हो एक्ट एक ही होता है ओके जीएसटी एक्ट जो है तो जहां तक देखा जाए तो हमें फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पढ़ना है अब फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के हो गए तो मैंने आपको मॉड्यूल वन और मॉड्यूल शिफ्ट टू शिफ्ट कर दिया है जो चैप्टर्स उसमें कवर्ड है उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है जहां अमेंडमेंट्स आई है अभी तक क्योंकि ये मंथ अगस्त चालू है और आने वाले मंथ में सितंबर और अक्टूबर में अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट की फ्यूचर में आएगी ओके okay, तो आने वाले चैप्टर में ओके okay, जो अमेंडमेंट्स आएगी इसलिए मॉड्यूल थ्री जो है थोड़ा आपको लेट मिलेगा सारी अमेंडमेंट्स को कवर करके ओके okay, तो यहाँ पे इस तरह से हम अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा डाउट से रिलेटेड तो दोस्तों ओके okay, डाउट्स जो है यहाँ आपको वी स्मार्ट का ऐप जो आता है जिसमें आप लेक्चर देख सकते हो उसमें क्वेश्चन आंसर एक टैब होती है क्वेश्चन आंसर में जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हो जो भी डाउट्स आपका यहाँ पे रहेगा साथ साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप डाउट्स या क्वेश्चन पूछ सकते हो ओके okay, जो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे पर मैं आपको कहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप मैं कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता हूं इसलिए आपका जो डाउट है वो डाउट आप जो है आपका जो ऐप आप है उसमें पूछे मेरी पूरी टीम आ, उसमें इन्वॉल्व होती है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स रिलेटेड और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा और जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो वो डाउट मेरे तरफ डाइवर्ट हो जाता है और उसका आंसर आपको मिल जाता है उसके बाद में जो टेलीग्राम ग्रुप है आपके लॉग में दिया हुआ है और वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दो बैच का अलग अलग बनाया हुआ है सिक्सटीन अगस्त बैच का और पोस्ट दिवाली बैच का तो आपने इसके पहले कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वो थोड़ा आप बाजी में रख देना अभी आपके लॉगिन में एक नया टेलीग्राम ग्रुप दिया है फॉर सिक्सटीन अगस्त बैच के लिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है ओके okay, जो स्पेशली यहाँ सिक्सटीन अगस्त के बैच का है और इससे ही हमारा कम्युनिकेशन होगा तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप है लॉग इन में दिया है ये तो हुआ बेटा सब्जेक्ट रिलेटेड ओके यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका पूरा मार्क्स अलोकेशन क्लास मटेरियल अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी डाउट्स कैसे कवर होगा और टेलीग्राम ग्रुप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं चलिए अब मैं थोड़ा आपके पेपर स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर आ, बेटा ये जो है मेरे पास एक क्योंकि नया नए स्कीम में तो क्वेश्चन पेपर जो है अभी तक किसी के पास नहीं होगा लेकिन एक पुराने स्कीम का क्वेश्चन पेपर है और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आ, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका रहता है और रहेगा पॉसिबिलिटी की इस तरह से ही रहेगा नाइनटी नाइन परसेंट पॉसिबिलिटी की इस तरह से ही न्यूज स्कीम में रहेगा हाँ कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर वी स्मार्ट लॉग जो है ये कहाँ से एक्सेस करें तो आखिरी में मैं आपको लॉग के बारे में बताऊंगा जो आपको एक्सेस करना है चलिए दोस्तों जैसे आ, टैक्सेशन का पेपर आपका थर्ड पेपर रहेगा और इसमें दो पार्ट रहेंगे पार्ट वन और पार्ट टू ओके पार्ट वन इनकम टैक्स रहेगा पार्ट वन जो है सॉरी पार्ट वन एमसीक्यू जो आपको अलग शीट मिलती है और पार्ट टू कॉम्प्राइज इस डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके तो आपको एग्जाम में दो पार्ट मिलते हैं पार्ट वन एम होता है और पार्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है एम आपको टिक करना है ओ टिक करना है ओके okay. ड्यूरेशन आपका थ्री आवर्स का होता है अब जो पार्ट टू होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं एक एमसीक्यू छोड़ दिया जाए ओके okay, तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेक्शन ए सेक्शन ए कॉम्प्राइजेस ओके यहाँ पे अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सेवनटी मार्क्स का होगा और ये यह मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें थर्टी मार्क्स यहाँ पे इनकम टैक्स होगा और थर्टी मार्क्स जीएसटी होगा फिलहाल क्वेश्चन स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे न्यू स्कीम में ओके okay, हमारे सामने नहीं है पर ये क्लियर हो गया कि थर्टी मार्क्स एम सी क्यू सेवेंटी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पर इनकम टैक्स में कितने क्वेश्चन हो गए जीएसटी में कितने क्वेश्चन हो गए ओके okay, वो स्ट्रक्चर अभी तक इंस्टीट्यूट में अब पहली एग्जाम में क्लियर होगा कि वो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा तो ये जस्ट मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा था कि किस तरह से हमारा पेपर स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर किया जाएगा चलिए तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की जो मटेरियल आपको कैसे मिलेगा क्या मिलेगा ये सारी बातें मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किए बेटा अब आते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब एक आपका सवाल ये भी आ सकता है कि सर ये बताइए हाँ आपका ये सवाल आ सकता है कि बैच वन और बैच टू के कंटेंट में कोई फर्क रहेगा कंटेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा पूरा डिस्कशन में ट्वेंटी फोर एग्जाम के हिसाब से किया जाएगा सारी अमेंडमेंट्स मैं कवर करूंगा हाँ कभी कभी क्या वाइज में थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज करता हूँ तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है पर कंटेंट एग्जैक्टली ओके कंटेंट एग्जैक्टली exactly हमारा सेम रहेगा कंटेंट एग्जैक्टली exactly हमारा सेम रहेगा फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तो वहां रहेगा अब मैं एक इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहूंगा एग्जाम के बाद का सपोर्ट जीएसटी का आपको बहुत अच्छे से मिलेगा जैसे मैंने जो चार्ट बुक दिया है उसके रिवीजन वीडियो मेरे अपलोड होते हैं उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कशन के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मेरा यूट्यूब पे अपलोड होता है ओके okay, जो एग्ज़ाम में बहुत काम आता है इस बार जो मैंने यहाँ पे फिफ्टी क्वेश्चन पे डिस्कशन लिया था उसमें से यहाँ सेवेंटी मार्क्स का एग्ज़ाम में आया था बेटा तो ओके okay, वो सारा फ्री कंटेंट होता है चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन वीडियो जिसे हम आरआर रिवीजन कहते हैं अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उसके बाद में क्वेश्चन यार सुपर फिफ्टी क्वेश्चन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ वन डे बिफोर एग्जाम मैराथन अपलोड करता हूँ तो ये सारा सपोर्ट आपको एग्ज़ाम तक दिया जाता है लिए तो दोस्तों यहाँ पे ओके okay, मैं ये कह, कहता हूं मैं अपनी तारीफ नहीं कहूँगा पर यस ओके वी स्मार्ट एक रैंक प्रोड्यूसिंग एकेडमी है और यहाँ पे वी स्मार्ट के सेवेंटी प्लस रैंक्स और यहाँ मोर देन थ्री थाउजेंड एग्जामिशंस स्टूडेंट्स को आए हैं तो डेफिनेटली इस बार आपकी बारी है और ये हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ओके okay, कवर करेंगे तो चलिए दोस्तों ओके okay, जहाँ तक देखा जाए तो हमने यहाँ सब पूरा डिटेल्स मैंने आपको बताया अब ये जो सिक्सटीन अगस्त वाला बैच है ये बैच लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है ये आपको रिकॉर्डेड मोड में ही है आपको ये ओके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा तो इस तरह से मैंने डिटेल्स आपको दी है ओके okay. अब आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन स्पेशली 16 अगस्त से बैस से रिलेटेड हो गए तो आप पूछ सकते हो 16 अगस्त से बैस रिलेटेड हो गए तो पूछ सकते हो स्पेशली ये बैस से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो अभी तो बेटा जो भी वी स्मार्ट पे क्लासेस चालू है सारे यूट्यूब पे है अभी ऐप पे नहीं है सारी यूट्यूब पे चालू है तुषार वो वापस आप वीस स्मार्ट के लॉग में जाए और वो देखिए चलो तो मैं आपको वीस स्मार्ट का लॉग आपने कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में भी बता देना चाहूँगा आप अगर वी स्मार्ट अकेडेमी की वेबसाइट पे आते हो तो पहले आपको वी स्मार्ट अकेडेमी के वेबसाइट पे आना है वहाँ लॉग में जाना है अगर आपने ये कोर्स हमारे वेबसाइट से बाय किया होगा तो आपका लॉग ऑलरेडी क्रिएटेड है लेकिन अगर आपने ये हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से बाय किया होगा तो वो केस में आपको हमारे वेबसाइट पे आना पड़ेगा वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम जिसमें यहाँ पे आपको परचेस करते वक्त जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको डालना है और आपको रिसेट हीर यानी पासवर्ड सेट करना है जैसे ही आपने पासवर्ड सेट कर लिया ओके तो आपका लॉगिन हमारे इसमें आ जाएगा आप लॉगिन में जाने के बाद आपने जो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस किया है इसमें सिक्सटीन अगस्त वाला बैच बी केयरफुल सिक्सटीन अगस्त वाला, वाला बैच में कोर्स एक्टिवेशन एक्टिवेशन की सब कुछ जैसे आप कोर्स एक्टिवेशन में जाओगे तो कोर्स एक्टिवेशन में आपको प्लेयर सेटअप मिल जाएगा प्लेयर सेटअप मिल जाएगा एक्टिवेशन की मिल जाएगी इंपॉर्टेंट है आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी लेक्चर्स अपलोड हो गए और डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी और आपको स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन करना है ये है बेटा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और ये टेलीग्राम ग्रुप आपके बैच का अगस्त वाले बैच का रहेगा इसको ज्वाइन करना है ठीक है और आपका मेरा कम्युनिकेशन इसी टेलीग्राम ग्रुप से होगा चलो तो ये था रिगार्डिंग टू उसके बाद में आपको जब तक फिजिकल कॉपी नहीं आती है नोट्स की तब तक सॉरी बेटा ओके okay, जब तक फिजिकल कॉपी नहीं आती है नोट्स की तब तक कोर्स कंटेंट में जाइए कोर्स कंटेंट में कोर्स मटेरियल जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कोर्स मटेरियल इसमें मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है और वो पीडीएफ डाउनलोड करना है एक दो चैप्टर की सारे चैप्टर्स की नहीं एक दो चैप्टर्स की जब तक फिजिकल कॉपी नहीं आती है और वो जो पीडीएफ से आपका चैप्टर कवर कर लिया जाएगा जहाँ तक स्टडी ग्रुप की बात है तो स्टडी ग्रुप की मैं आपको ये बता दूं कि ये टेलीग्राम लिंक इसमें जो पहले भी हमने स्टडी ग्रुप में दिया था या इसमें भी आपको वो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी तो आपको मस्ट 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 ज्वाइन करना है तो चलिए मैंने आपको लॉग इन कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बता दिया है अब आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ ठीक है ये हमारा सेशन था सेशन लेक्चर वन का पहला पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था नेक्स्ट सेशन से हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ठीक है दोस्तों yes, बेटा क्वेश्चन में जो चेंजेस हो गए वो चेंजेस अगर अमेंडमेंट हुई तो मैं आपको अलग से कवर कर लूंगा डोंट वरी मैं बैठा हूं बेटा आपका सारे चेंजेस मैं कवर कर लूंगा अलग से यस yes, यस yes, आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल थ्री के साथ आपको जो नए टॉपिक्स आएंगे वो नए टॉपिक्स के भी चेंजेस आपके मैं क्वेश्चंस ऐड करके आपको भेज दूंगा इसलिए मैंने एक शिपमेंट रोका हुआ है कि जो भी मॉडल थ्री के चेंजेस है उसके बाद में नए टॉपिक्स आए वो सब मैं आपका कवर करूंगा यस बेटा मैं टेस्ट भी प्लान करूंगा इसमें टेस्ट पेपर भी मैं यहाँ प्लान करूंगा ऑफलाइन बुक कलेक्ट करना है बेटा तो पिकअप फ्रॉम प्रेस्टीज पॉइंट आप दे सकते हो चलिए आई होप आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी ओके okay, तो अब मैं आपको कह दूं कि जो सिक्सटीन अगस्त वाला बैच है तो uh, मेरा अब पहला मतलब इस सेशन का ये लेक्चर जीरो वन था ओके सेशन लेक्चर जीरो वन का पार्ट ए था ओके पार्ट बी जो है वो मंडे आफ्टरनून तक मैं अपलोड करूंगा क्योंकि कल संडे है मैं थोड़ा यहाँ पे क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो यहां जो है मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और मंडे को मैं जो है यहां पे आफ्टरनून में अपलोड करूंगा और मंडे से आपको सारे लेक्चर्स ओके रिकॉर्ड करके अपलोड आपको मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए तो यहाँ रुकता है थैंक यू थैंक यू सो मच